देश में बढ़ रही महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ 25 मई से 31 मई तक चले अभियान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित वाम दलों ने सिविक सेंटर भिलाई के छोटा परिवार चौक पर संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर सभा आयोजित की। सभा को मुख्य वक्ता माकपा के डीवीएस रेड्डी, वकील भारती शांत कुमार, भाकपा के विनोद सोनी व अशोक मिरी आदि ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए वाम नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों के आवास, रोजगार, सामाजिक मेल मिलाप तथा संविधान पर बुलडोजर चलाना बंद करे। विरोध प्रदर्शन को लेकर माकपा नेता डीवीएस रेड्डी ने कुछ इस प्रकार की जानकारी दी। गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि, वापस लो। जिंदाबाद। वामपंथी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे जय जय। ये पूरे देश के अंदर में 25 तारीख से लेके 31 मई तक के महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ में आंदोलन चल रहा है, तो इस आंदोलन का आज आखिरी कड़ी है। 26 तारीख से यहाँ पर शुरू हुआ है भिलाई के अंदर में, और आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन और सभा के साथ में इसको समाप्त करेंगे। बात उसके असर का नहीं है, एक दिन पहले ही उन्होंने कम कर दिया वो अलग बात है, लेकिन हमारे देश का शासक वर्ग बहुत चालाक है। वो पहले 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक के बढ़ा देता है, उसके बाद 5-7 रुपये कम करके उसकी वाहवाही लूटता है। वो उस वाहवाही से और उस तरीके कम करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई पहले से ही 40-45% बढ़ चुकी है। अब की बेरोजगारी का आलम भी बहुत बुरा है, लगातार लोग नौकरियां खोते चले जा रहे हैं। ये गैस सिलेंडर को 400 रुपये में देंगे बोल के अभी 1000 के पार पहुँचा दिए हैं, और सब्सिडी के नाम पर 0 हो गई है। तो इस तरीके का खेल इन लोगों का लगातार जारी है। ये कुल मिला के इन्होंने साबित कर दिया कि हम केवल कॉरपोरेट को मदद करने के लिए आए हैं, वोट तुम्हारा रहेगा लेकिन हम कॉरपोरेट को ही मदद करेंगे, और तुम ज़्यादा बोलोगे तो हम मंदिर मस्जिद और जात पात में उलझा के छोड़ देंगे, और उस सब चीज़ों के खिलाफ में ये अभियान है। नहीं, ये स्पष्ट है कि उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है, और जो समस्याएँ पैदा हो रही हैं उसका कोई समाधान भी नहीं है। तो उनके लिए बहुत आसान तरीका यह है कि वो धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करे, जात के नाम पर गुमराह करे, भाषा के नाम पर गुमराह करे, ताकि लोग गुमराह होते रहे और लोग इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाए और वो अपनी रोटियों को सेकते रहे, और जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से अब जनता धीरे धीरे समझना प्रारंभ कर दी है।